चेस्ट कहाँ से नापा था? पेपर से हल्का थोड़ा नीचे था बस, ज्यादा नहीं। मैं फिर बैट है जिसका ओवर बैट है उसको अनफिट कर दिया। सब करना था अमर में, ओवर बैट में वो क्या अनफिट किया, मालूम किया था। होता है नौकनी कैसे चेक किया था वहाँ पर? नौकनी दो तरह से, प्रेस सुता के फिर खड़ी करा के। सब लड़कन को सुता था या तो फिर जिसमें डाउट होता था नौकनी? फिर कोच भी इनके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहा, क्योंकि जो भी रोड रनिंग करते हैं या तो खाली पर ग्राउंड में रनिंग करें, लगभग लड़कन का भी कोच इस पर निकला। बहुत लोग यहाँ पास आए इंजेक्शन लेने, गया में मेरे पास इंजेक्शन लेने आए, तो वहाँ पास भी कोच भी कैसे चेक किया था क्योंकि बहुत ज्यादा डाउट हुआ है। जैसे यहाँ हुआ था वैसे हुआ था। अच्छा प्राइवेट पार्ट में क्या क्या चेक किया था, क्योंकि प्राइवेट पार्ट में बहुत लड़कन का डाउट होता है, यहाँ पास तो हम चेक करते हैं, वहाँ पास आप लोग क्या क्या चेक? प्राइवेट पार्ट में फिमोसिस चेक किया था। फिमोसिस बता दे, जो पेनिस के ऊपर स्किन हो उसको पीछे जाना। आप कुछ बताए, दांत कैसे चेक किया था? पैटर्न हो गया फिर सड़ा हुआ, ये सब कुछ डेंटल। तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों हमारे पास दो कैंडिडेट आए हुए हैं, इनको तो पहले से भी जानते होंगे, और इन लोग का जो फिजिकल था बरौनी में था, इसमें हम आपको ए टू जेड डिटेल लेंगे। इन लोग ग्राउंड फिट हुए हैं दोनों को, दोनों मेडिकल में, और यहाँ पास हम प्री मेडिकल दोनों का चेकअप भी किए थे, तो इन लोगों को कोई प्रॉब्लम यहाँ भी नहीं था, वहाँ भी ग्राउंड फिट हो गए। तो सारा डिटेल हम इनसे जानेंगे कि वहाँ पास पहले फिजिकल से लेकर के मेडिकल तक डिटेल जानेंगे कि फिजिकल में कैसे वहाँ पास चेस्ट लिया जा रहा था, जो ट्रैक था ट्रैक कैसा था, सारा कुछ ए टू जेड जानकारी लेंगे, और चेस्ट कैसा नापा जा रहा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बोला था कि बिहार में बरौनी में सबसे ज़्यादा हार्ड चेस्ट ले रहा है, बरौनी हो गया, मोकामा हो गया, सब में हार्ड चेस्ट ले रहा है। तो हम पूरा डिटेल में जानेंगे कैसे कैसे वहाँ पास चेस्ट लिया, ट्रैक पर क्या था सिस्टम, पूरा टू जेड जानेंगे। तो पहले अपना नाम बताइए दोनों। समरेश कुमार। रजनीकांत कुमार पटेल। और कितना तारीख आप लोगों का फिजिकल था? 14 तारीख का 15 तारीख का। और दोनों ग्राउंड पे। अच्छा सबसे ज़्यादा बताइए कि सबसे ज़्यादा वहाँ पास चेस्ट हार्ड लिया, आप लोग का चेस्ट कहाँ से नापा था? नेपल से हल्का थोड़ा नीचे था बस, ज़्यादा नहीं। बोलता रहा कि ना अंगुरी से नापता है, दो अंगुरी तीन अंगुरी नीचे, जहाँ नेपल है नेपल से दो अंगुरी तीन अंगुरी नीचे, कुछ नहीं सब वहाँ फैला था, नेपल से इतना नीचे नाप रहा है बस, मतलब थोड़ा सा एक आध इंची भर या उससे भी कम, मतलब झूठा अफवाह फैला रहा है कि हम यहाँ पास जो लड़कन मेरे पास प्री मेडिकल चेकअप कराने आ रहे थे, बाद में जब मेडिकल वहाँ पास स्टार्ट हो गया था, फिजिकल जब स्टार्ट हो गया था, तो उसके बाद भी जब हमें पास टाइम दिया, तो वहाँ से जब हम चेस्ट नाप रहे थे तो नहीं बोला कि नहीं सर यहाँ से नहीं, थोड़ा और नीचे से वहाँ पास चेस्ट ले रहा है। जो भी लड़कन जो फेल होकर आ रहा था या फिर जो पास भी होकर आ रहा, तो बता रहा था जो यूट्यूब पर रिव्यू देता है ना उस प्रकार से, तो हम मेरा भी कैंडिडेट 3 लाख पास हुआ था, लेकिन बरौनी के पास नहीं होता कोई थे। आज बरौनी का है, बरौनी के खास करके हम लेकर के आए हैं यहाँ पास रिव्यू, क्योंकि वहाँ पास चेस्ट लेकर बहुत ज़्यादा, सीतामढ़ी में पास हुआ था, सीतामढ़ी में नॉर्मल चेस्ट ले रहा था, बरौनी का अफवाह बहुत ज़्यादा उड़ा था, इसीलिए आज दोनों को दोनों बरौनी के, और इन पर हम लेकर के आए, तो बरौनी में भी चेस्ट नॉर्मल ही ले रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नीचे से ले रहा है। अब सोचने वाली बात है भाई कि चेस्ट नापना है ना कि पेट नापना है, चेस्ट तो यही होगा नेपल से, उससे ज्यादा नीचे आएगा तो फिर पेट हो जाएगा, जिसका हाई ही नहीं उसका कहाँ से दे देगा। हाँ हाई नहीं, इनका था थोड़ा सा कम था, लेकिन डिप्स मरवा के पुशअप मरवा के पुलअप मरवा के चेस्ट बनवा दे गया। अच्छा बताइए वहाँ पास ट्रैक कैसा था? ट्रैक बहुत मस्त, डैम पूरा चिकना था, कोई दिक्कत नहीं है दौड़ने में, कोई दिक्कत नहीं, दौड़ सकता है, खाली पर भी दौड़ सकते हैं रोड पर, डैम चिकना, एयरपोर्ट का रनवे है वो पहले बना हुआ था, उसी को ट्रैक बनाया। अच्छा एक बार जाना आना है, कितना का ट्रैक था बना? 2 किलोमीटर का है। 1 किलोमीटर जाना, 2 किलोमीटर आना, हाँ राउंड था, ढाई राउंड है, फिर आधा पूरा करके फिर रुक जाना। अच्छा अब बताए ठीक है, तो मतलब रनिंग से लेकर ज़्यादा क्वारी नहीं, मेनली मेडिकल से है, मेडिकल में कितना कैंडिडेट वहाँ पास पहुँच रहे हैं, कितना लोग पास हो रहे हैं, कितना का री मेडिकल दिया जा रहा है, और मेडिकल में भी दोबारा हाइट चेस्ट नापा जाता है या तो फिर सिर्फ फिजिकल के टाइम में? हाइट चेस्ट खाली फिजिकल टाइम, मेडिकल टाइम में फिर बैट है जिसका ओवर बैट है उसको अनफिट कर दिया। सब करना था अमर में, ओवर बैट में वो क्या अनफिट किया, मालूम किया था। ओवरबिट कितना तक ले रहा है ऐसे? तो हाइट के हिसाब से, जो हिसाब से 176 है तो उसमें 100 के जी घटा दीजिए, 76 के जी बैठ रहना चाहिए उसमें, वो मैक्सिमम बैठ हो जाता है 76, तो उससे कितना ज्यादा ले रहा है, कहीं 2 केजी लेता है, कहीं 5 केजी, 4 या 5 केजी तक ले रहा है, उससे ज्यादा है तो उसी से अनफिट। हाँ तो 5 केजी लगभग सब जगह लेता है, जितना होता है जितना हाइट है हाइट में ये भी आगे का एक हटा दी 176, तो आपका 76 मैक्सिमम हो जाता है थोड़ा सा, और डेट ऑफ बर्थ से भी लेता है, एज के अनुसार भी बैठ में होता है, थोड़ा रिलीफ मिलता है। और बाकी मान के चलिए कि आपका अगर 176 हाइट है तो 76 केजी आपका मैक्सिमम वेट होता है, और 5 केजी एक्स्ट्रा आप ऊपर जा सकते हैं, और अगर 15 किलो नीचे घटा दीजिए उससे 5 किलो और नीचे जा सकते हैं मिनिमम वेट के लिए। अच्छा आप जब मेडिकल में पूरा डिटेल बताइए, यहाँ पास जैसे हम आपको प्री मेडिकल चेकअप किए थे उसी तरह वहाँ चेकअप होता है, कुछ अलग हुआ था यहाँ से थोड़ा मोड़ा? कुछ अलग नहीं, सेम टू सेम, बाकी प्राइवेट पार्ट में अलग चेक किया था, यूट्यूब यहाँ हुआ नहीं था प्राइवेट पार्ट। अच्छा आप लोग नहीं कहते प्राइवेट पार्ट भी यहाँ पास चेकअप होता है, इन लोग अपना आदमी थे इसलिए प्राइवेट पार्ट चेकअप नहीं किए, बाकी वहाँ पास प्राइवेट पार्ट भी यहाँ जो हम प्री मेडिकल करवाते हैं तो उसमें प्राइवेट, यहाँ सिर्फ ब्लड यूरिन एक्सरे 3 चीज़ नहीं चेकअप होता, बाकी सारा कुछ चेकअप होता है। तो ब्लड में सिर्फ हीमोग्लोबिन और चेस्ट एक्सरे में टीबी है कि नहीं है, और यूरिन से शुगर जाँच करता है, वो तो सबके नॉर्मल रहता है, लगभग नॉर्मल रहता है, कभी कभी किसी किसी का यूरिन में ब्लड का अंश भी आता है, एक लड़का भी दिया है अति में,
रिपोर्ट मेरे पास भेजा था, यहाँ से प्री मेडिकल चेकअप करा के गया था 9 सितंबर को, और उसके बाद फिर वो भेजा था मेरे पास कि सर ऐसा दिक्कत हो गया, यहाँ से पूरा फिट हम करके भेजे थे, लेकिन उसका यूरिन में ब्लड आ गया था। अच्छा, आप पूरा डिटेल बताइए कैसे कैसे चेकअप हुआ था, इंट्री से लेकर शुरू से लेकर, ताकि जो अभी आने वाले और कैंडिडेट हैं जिनका, या फिर गर्ल्स भी हो गए, तो उनको दिक्कत ना हो वीडियो देखने के बाद, मतलब सब चीज़ क्लियर एकदम हो जाए, जितना भी डाउट है क्लियर हो जाए। वहाँ पास कैसे कैसे चेकअप हुआ था एकदम स्टार्टिंग से बताइए, कहाँ से स्टार्ट हुआ था चेकअप होना? अरे तीन वो टेबल था, 1, 2, 3, तीनों में अलग अलग था। मेरे वाला टेबल में पहले आँख ले रहा था, मतलब कि आँख और बीपी से ले रहा था, पीठ वाला इसे पूरा नोकनी से। अच्छा। और टेबल नंबर 1 में पहले अच्छी ले रहा था, मतलब तीनों अलग अलग था। अलग अलग मतलब कहीं से भी स्टार्ट कर दे उसके लिए टेंशन ना लेना। बहुत पढ़ाने वाला होता ना है, दूरी वाला ये वो एक डिस्टेंस विजन वो है ये था। अच्छा, तो ये वो करवा के निकल रहा था, फिर वो जा रहा था, तब तक इधर दूसरा, यानी डिस्टेंस विजन का जो चार्ट था वो एक ही था, मतलब तीनों रूम के लिए जो तीन काउंटर हम बोल सकते हैं उसके लिए एक ही अथी था, डिस्टेंस विजन का चार्ट था, तो इसीलिए आगे पीछे सब करवा रहे थे। अच्छा, नौकनी जो चेकअप होता है, नौकनी कैसे चेक किया था वहाँ पर? नौकनी दो तरह से, प्रेस सुता के फिर खड़ी करा के। सब लड़कन को सुता था या तो फिर जिसमें डाउट होता था नौकनी ना, सबके एक बार सबके सुता दिया। हाँ। और फिर एक वो वन बाय वन बुलाया या फिर साइड कर दिया। सुताने के सुता कर कैसे चेक करता था? सुता आया ना, सुता के ई वाला कैसे आता था, ई वाला कैसे ऐसे यही चेक चलाते भी करता था, ऐसे चलाते फिर ऐसे ऐसे चलाया भी था, उस सामने देख के ऐसे देखा नहीं रखना, फिर पीछे पीछे ऐसे। अच्छा, आप लोग बता दें, जब सुधा का चेक करता है तो ये खेवना सटाया जाता है, ठीक है, इसको सटाया जाता है, यहाँ पर फैला के यहाँ पर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप सटाया नहीं होना चाहिए। देखिए, जब क्या होता है कि जब ये दोनों नी एंकल जो सटाता है, तो एंकल सटाने के बाद आपको यहाँ पर गैप चेक करता है, लेकिन जब ये फैलाता है तो जब ये खेवना सटाता है और इसको सटाता है तो ये एंकल से लिया जाता है, एंकल में 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। चेक किया था, बोला था कि ऐसे है, फिर 30 डिग्री के एंगल बनाओ ऐसे, बस उठाना नहीं पैर को, ऐसे ही इसको उठाना है, ऐसे खड़ी है उठा मारता। अब ये भी है, इसमें रहता मतलब एक जो पंजा जाता है ना, पंजा जाने पर यहाँ पर सब तीस बोला था, 30 डिग्री का एंगल बना होगा, इतना ही रहता स्पेस। ये तो हो गया नौकनी के लिए। हाँ, फिर कोच भी इनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहा, क्योंकि जो भी रोड रनिंग करते हैं या तो खाली पर ग्राउंड में रनिंग करें, लगभग लड़कान का भी कोच इस पर निकला है। बहुत लोग यहाँ पास आए इंजेक्शन लेने, गया में मेरे पास इंजेक्शन लेने आए, तो वहाँ पास भी कोच भी कैसे चेक किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउट हुआ है। जैसे यहाँ हुआ था वैसे हुआ था, पहले 20 बार ऐसे ऐसे करा, 20 से 30 बार जंप करवाता है, फिर ऐसे खड़ी करके इस पर टोंच मार के चेक किया था। अच्छा, इसको ठोकता भी हम तो यहाँ पास ठोक के चेक कर लेते हैं, ठोकने से जिसमें डाउट है उसको ठोकता जाएगा, जिसमें नस दिखते रहा तो उसमें ठोकने से पूरा क्लियर दिखने लगता है। और अगर आपको भी रिकॉजमेंट का प्रॉब्लम होगा तो फिजिकल से 10 दिन पहले इंजेक्शन ले लीजिएगा। स्क्लेरोथेरेपी भी होता है, नॉर्मल इंजेक्शन भी होता है, स्क्लेरोथेरेपी में थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है, और नॉर्मल इंजेक्शन होता है वो 2500 रुपये में ठीक होता है, बस जो नॉर्मल लिक्विड टाइप का जो होता है इंजेक्शन उसको डाल दिया जाता है, उससे भी ठीक हो जाता है, स्क्लेरोथेरेपी से भी ठीक होता है। स्क्लेरोथेरेपी है क्या, आपको लॉन्ग लास्टिंग करें, जैसे इनका था पिछला बार जो रीमेडिकल दिया था, वेरिकोज भी दिया था, इनके ऊपर हम वीडियो पिछला बार भी डाले थे, और स्क्लेरोथेरेपी करा के फिट करवा दिया था, और वही स्क्लेरोथेरेपी इस बार काम किया, इस बार भी इनका मतलब नस नहीं है, पिछले बार का इंजेक्शन अभी तक काम किया। ताकि जो नॉर्मल इंजेक्शन जो होता है सस्ता वाला, जो 2500 रुपये में होता है, जहाँ गया दिलवाते हैं, तो वो 2 मंथ तक रहेगा आपका, फिर वापस किसी किसी का वापस आ जाता है जो रनिंग तुरंत स्टार्ट करता है, और कहते ना कि मेडिकल फिट हुआ उसके बाद फिर छोड़ दिया, या तो मेडिकल में बाहर भी हुआ छोड़ देता, फिर अगले वैकेंसी का जब रनिंग करता तब नहीं निकलता। लेकिन अगर कोई तुरंत स्टार्ट किया, जैसे कि अभी SSCGD का दिया फिजिकल, उसके बाद तुरंत बिहार पुलिस के फिजिकल में लग जाएगा, तो उस कंडीशन में रिकॉजमेंट वापस आ जाता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल रेस्ट मोड में चले गए, अब अगले साल करिएगा फिजिकल, तो फिर उस पर का उस टाइम आपको नहीं आएगा रिकॉजमेंट में, जो नस बाहर नहीं बिकेगा। अच्छा, फिर रिकॉजमेंट के बाद, अच्छा प्राइवेट पार्ट में क्या क्या चेक किया था, क्योंकि प्राइवेट पार्ट में बहुत लड़कन का डाउट होता है, यहाँ पास हम चेक करते हैं, वहाँ पास आप लोग क्या क्या चेक? प्राइवेट पार्ट में फिमोसिस चेक किया था। फिमोसिस बता दें, जो पेनिस के ऊपर स्किन हो उसको पीछे जाना चाहिए, उसको फिमोसिस बोलते हैं, अगर नहीं जाता तो ऑपरेशन करा लीजिएगा, 1 मंथ तक के अगर पहले का है तो 100% एक्सेप्टेड रहेगा। फिमोसिस चेक किया था, पेशाब का रास्ता है कि नहीं, पेशाब का रास्ता आपका सीधे होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, सीधे होना चाहिए। अच्छा, आपका भी कुछ पेशाब का रास्ता में हुआ था दिक्कत? हमको बोला था कि तुम्हारा लगता है कि थोड़ा सा नीचे, लेकिन फिर बाद में कमांडेंट आया तो दोबारा चेक किया तो बोला कि ना ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और फिर बाकी फिमोसिस वाला में पीछे जो जाता है चमड़ा, ये 1 मंथ पुराना ऑपरेशन एक्सेप्ट, बाबा से चेक किया था, फाइल चेक करता फाइल चेक किया था। आप कुछ बताए, दांत कैसे चेक किया था?
जिम रहा था बस। और पैटर्न हो गया फिर सड़ा हुआ, ये सब कुछ डेंटल पॉइंट था, कहां कोई दिक्कत थी? सड़ा हुआ तो नहीं था। हां सड़ा हुआ पीछे से हल्का गंदा है तो कोई चलेगा। देखिए आपको बता दें, गंदा पानी पानी के नहीं रहा ना, तो पानी पानी के। देखिए डेंटल डेंटल पॉइंट जो होता है मिनिमम जो होता है 14 पॉइंट आपको आना चाहिए। जो साइड वाला दांत होता है पीछे वाला, उसका दो डेंटल पॉइंट कटता है, आगे का एक कटता है। अगर आपका पीछे वाला जो चहुआ जिसको बोलते हैं अगर सड़ा हुआ है तो आपको दो पॉइंट कटेगा। अगर आगे में पैटर्न खराब है या फिर आगे का दांत टूटा हुआ तो उसमें एक पॉइंट टूटेगा। आपका 22 आपके पास डेंटल पॉइंट होता है, वहाँ से आपको 14 से नीचे नहीं आना चाहिए। ऐसे डेंटल पॉइंट में कोई नहीं छटता, दांत में कोई नहीं छटता। मेनली जो छटने वाला प्रॉब्लम वेरिकोज हो गया, आँख हो गया और नोकनी हो गया, नोकनी हो गया, ये सब छटने वाला पॉइंट है। अभी वेरिकोज में बहुत ज़्यादा छट रहे हैं। वही राइटी है, आप भी खूब चार्ट अभी याद किए थे, बरौनी जाएगा ना वो चार्ट याद कर सकता है। सामने नजर आ रहा है कि लिखल है कितने नेगन वार्ड में गाते हैं। मेरे पास मेरे पास जो चार्ट है ना, जो डिस्टेंस विजन का जो मेरे पास चार्ट है, सेम टू सेम कटियागंज में भी वही है, बरौनी में भी वही है, एकदम हूबहू वही है। लेकिन लड़कन लोग ने हाँ सीतामढ़ी में भी वही है, सीतामढ़ी से भी लड़कन तो क्या है बोला कि सेम टू सेम वही चार्ट है। नरकटियागंज में भी एकदम वही चार्ट है और बरौनी में बोल ही रहे हैं। ये भी खूब रट रहे थे कि इनका इनका 6x9 था, लेकिन 6x9 एक्सेप्टेड रहा था। हाँ कहीं कहीं मिथ ये है कि जैसे जो आप अगर राइटी हैं तो राइटी में क्या होता है कि मेरा भी थोड़ा सा कम है राइट वाला, ये ठीक है ज़्यादा ही कम है, लेकिन आपका 6x9 एक्सेप्टेड रहता है। और जो चार्ट है, चार्ट में सबसे नीचे जो लिखा हुआ रहता है 6x5 रहता है, तो उससे आप टेंशन है। बहुत लोग टेंशन होते हैं कि नीचे वाला लाइन नहीं पढ़ पा रहा, तो नीचे वाला 6x5 रहता है। जहाँ पर 6 लिखा हुआ उससे ऊपर होता है 6x6, ना कि उसके नीचे वाला। ठीक है, आग के बाद बताइए कि हाँ बैकबोन भी चेक करता है जो है ना आपका पोजीशन, बॉडी पोजीशन सही। जैसे हम झुका तो बैकबोन चेक करते हैं, ये जो बैकबोन का पैटर्न हुआ एकदम सीधा होना चाहिए। हम यहाँ जब प्री मेडिकल चेकअप करते हैं तो यहाँ भी पूरा ये सब चेकअप होता है। ये कोई नया चीज नापा ना, इसको नापा तो 65 और फिर 70, ये पता ना कोई नापा। हाँ ये इस बार न्यू एड किया, नया एड किया हो सकता है बेली का साइज। और बाकी कान में हो गया जो स्कोप लगा के चेक करता है नॉर्मल, और हाँ वाइब्रेशन चेक करता है उस पर का, इस प्रकार से आता है मतलब रेड क्या उसको बोलते हैं, उसको ऐसे ठोक के फिर चेक करें कि वाइब्रेशन हो रहा है या नहीं कान में। और बाकी कोई मशीन ला के वहाँ नहीं चेक करता, नॉर्मल स्कोप से आपका कान के पर्दा चेक करता है। कान के पर्दा क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई दागे नहीं होना चाहिए। जो मशीन यहाँ से चेक हुआ था ना सेम टू सेम वही मशीन। यहाँ पास तो तीन मशीन कान में यूज करते हैं, पर वहाँ पास एक ही मशीन यूज होता है। अरे एक ही वो सेम खाली बल बारा गुला। आपका कान के पर्दा सही होना चाहिए, उसमें कोई वाइट डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, या तो कानून बहाना नहीं चाहिए, बाकी कान एक्सेप्टेड रहेगा। वहाँ पास बस खाली वाइब्रेशन चेक करेगा कि हाँ साउंड आ रहा है या नहीं। ये हो गया कान का। हाँ अगर आपका नेक इम्बैलेंस है, जो चेस्ट होता है या तो शोल्डर हो गया, ये सब सही होना चाहिए। ये वाला जो चेस्ट है ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, दोनों नॉर्मल होना चाहिए बराबर एकदम। आप खड़ा होते हैं तो पुष्पा स्टाइल में नहीं खड़ा होना है, हाँ ये नॉर्मल होना चाहिए। आपका जो गर्दन है नेक एकदम सही होना चाहिए, गहरा नहीं होना चाहिए। दूसरा था TMJ हो गया, इसमें चेक करा तो भैया पानी जैसे घुटता ना, उसको भी चेक करा था, उसमें किसी किसी का दिया नहीं बढ़ती, उसमें पानी कैसे घुटता, पानी घुटता उसमें छेद दिखा रहा था। अच्छा जो नीचे जो कंठ भी लटकल रहता है ना लुटकून, वो किसी किसी का चिपका रहता है, जिससे उसका क्या होता है वोकल कोड सही नहीं होता, आवाज़ सही से क्लियर नहीं निकल पाता, बोलने के लिए हकलाता है, हकलाहट में भी देता है, आ कर करेगा ना आ आवाज़ निकालो आ आ पानी घोटने बोलता है, पानी कैसे घोटता है उसे घोटो, हकलाते हैं अगर आप तो हकलाहट में भी देता है वहाँ पास पढ़ाता है, वो भी पढ़ाएगा आपको हकलाहट। हाँ क्लोज विजन के लिए जब होता है नियर वाई विजन चेक करता है ना 25 सेंटीमीटर से, तब उसमें ही सब कुछ चेक कर लेता है, नियर वाई विजन भी चेक हो जाता है और प्लस में और साथ साथ आवाज़ भी चेक हो जाता है। कोई लड़का हकला तो नहीं रहा, क्योंकि हकलाहट में आपको अनफिट कर देगा, डायरेक्ट अनफिट रहता है उसमें। हाँ DNS हो गया, DNS बहुत बोलते हैं कि जैसे नाक अगर जैसे इनका देखा जाए कि नाक उठा हुआ रहता है तो फेल कर रहता, पर ऐसा नहीं है। DNS क्या है कि नाक का जो हड्डी हो गया बीच वाला वो टेढ़ा नहीं होना चाहिए, जैसे अंदर हो गया ये नाक का हड्डी ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए। दूसरा कि नाक में जो मांस निकला हुआ था वो नहीं होना चाहिए, तो आप फिट है। आपका अब क्या है कि आप नाक में क्या चेक करता है, बंद करके सांस लेने के लिए बोलता नहीं, खाली चोंच मार के चेक किया, एक बात सांस छोड़ने के लिए छोड़ने सांस लेने छोड़ने के लिए बोलता है। अगर ले रहे हैं छोड़ दे रहे हैं क्लियर से तो आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा। अगर हल्का टेढ़ा भी है ना, जिसको मिल्ड DNS बोलते हैं, अगर नाक का हड्डी हल्का टेढ़ा भी है तो आपको दिक्कत नहीं करेगा, आपको फिट कर देगा। और किसी किसी का सुराख पूरा क्लियर दिखाई देता है, उसको सांस लेने के लिए नहीं बोलता। जिनको हल्का दिक्कत रहता सटा हुआ अंदर दिखता है, उसी को सांस लेने के लिए बोलता है कि लो और छोड़ो, आपका मतलब जो सुराख पूरा क्लियर है या नहीं। तो दोस्तों ये पूरा मेडिकल के बारे में डिटेल आपको बता दें, चेस्ट कहाँ से लेगा, हाइट में भी दबाता हुआ था ऊपर से,
होता ना बहुत लोग कि हाइट अगर एक खाता रहा तो दाब कौन 70 कर दे ऐसा कुछ ना, ना, बस जितना हाइट रहेगा कितना अब आप ही खड़ा रहिएगा लूज होके तो दिक्कत है, टाइट होके खड़ा रहेगा पूरा नहीं होगा दिक्कत। तो ये पूरा था फिजिकल से लेकर के मेडिकल कैसे कैसे चेकअप हुआ। अगला जो वीडियो डाल रहे हैं उसमें आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड रहेगा क्योंकि दोनों कैंडिडेट ओबीसी के और ओबीसी के डॉक्यूमेंट में जो एनसीएल होता है या फिर जो भी मांगता है वहाँ पास क्रूशियल डेट वाला जो सिस्टम चल रहा है तो कब का डॉक्यूमेंट ले रहा है, डॉक्यूमेंट में कोई लड़का वहाँ पास रिजेक्ट हुआ या नहीं, ये सब पूरा डिटेल हम अगला वीडियो में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।